लाहौर हाई कोर्ट के ये मनाजर आप देख रहे हैं, वकला की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है और वकला जो है वह शौकत सड़कों का रुख कर रहे हैं और जीपीओ चौक की तरफ जो है वह वकला इस वक्त रवाना हो रहे हैं। इंसाफ लॉयर विंग के ये वकला है, दूसरी तरफ पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है और पूरी जो पीटीआई इंसाफ लॉयर विंग के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और नारेबाजी की जा रही है। इस्लामाबाद में गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ जो है वो ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, नारेबाजी यहाँ पर जारी है वकला की और पूरी पीटीआई के जो पंजाब लॉयर विंग है वो इस वक्त जीपीओ चौक की तरफ रवाना है और खवातीन वकला भी मौजूद हैं। इमरान खान की रिहाई के नारे लगाए जा रहे हैं। वो इस वक्त सड़कों पर आ चुके हैं इमरान खान की गिरफ्तारी और अभी इस्लामाबाद में जो गिरफ्तारी की गई है उसके इंतजार करते हुए सड़कों पर पहुंच चुके हैं और रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। ये मेन जीपीओ चौक है जहां पर मुखला जमा हो गए हैं और नारेबाजी यहां पर की जा रही है। इमरान खान की रिहाई के लिए ये नारे आप सुन सकते हैं और वकला की जानिब से भरपूर ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। ये अब नारे भी वकला की जानिब से ये पैदल मार्च का आगाज कर दिया गया है जीपीओ चौक से, ये पंजाब असेंबली का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो शायद धरना देने का कोई प्लान है। इस्लामाबाद में आज पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर पुलिस ने छापा मारकर वहाँ पर मेन लीडरशिप चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर, सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन को गिरफ्तार किया, उस पर वकला जो है वो अपना इंतजाज यहाँ पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शदीद नारेबाजी यहाँ पर इस वक्त जारी है। ये इंसाफ लॉयर विंग है, इंसाफ लॉयर विंग के ये वकला हैं, ये मौजूद हैं। ये मनाजर आप बराह रास्त देख सकते हैं। ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये रोड है और नारेबाजी जारी है वकला की। एक तरफ पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ आईआईपीटीआई के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी बात भी करवाते हैं वकला से, इनका मौकफ भी जानने की कोशिश करते हैं और ये देख सकते हैं आप वकला यहाँ पर मौजूद हैं और ये लाहौर हाई कोर्ट का मरकजी गेट है। दूसरी तरफ यहाँ पर वकला ये देखें, ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो मिलिट्री ट्रायल जिनका हो रहा है उनको भी इनकी रिहाई की भी बातें जा रही हैं। ये जुबैर कसाना साहब बात कर रहे हैं।